रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की देश भर के सभी भाजपा विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। हालांकि इस दौरान 5 राज्यों के एक एक विधायक से ही नरेंद्र मोदी की सीधी बात हो पाई है। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के 4 विधायकों ने भी इस दौरान सीधी बात करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, परंतु उनसे सीधी बात के लिए इस बार छत्तीसगढ़ का नंबर नहीं लग पाया। बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी ने इस संवाद में 3 से 2 बार छत्तीसगढ़ के विकास कार्य के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बस्तर विकास का जिक्र किया। इस पूरी चर्चा में नरेंद्र मोदी ने विधायकों को कहा कि अगर किसी प्रदेश विधायकों जनप्रतिनिधि के ट्विटर फॉलोअर्स 1 लाख से ज़्यादा होते हैं तो वे नरेंद्र मोदी से सीधी बात कर सकते हैं। उन्होंने सांसदों और विधायकों को सोशल मीडिया में एक्टिव रहने कहा, खासकर फेसबुक और व्हाट्सएप का उपयोग करने को कहा गया है। मोदी ने कृषि आय बढ़ाने, आयुष्मान भारत योजना, जनधन योजना, पशुपालन, मछली पालन समेत कई केंद्रीय योजनाओं पर बात की जो सीधी रोजगार और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े हैं। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रायपुर उत्तर के विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने भी मोदी से बात करने के लिए रिक्वेस्ट की, परंतु प्रदेश के किसी भी विधायक से सीधी बात नहीं हो सकी। कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के बाद यह दूसरा मौका था जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे अपने विधायकों से और देश के प्रतिनिधियों से जुड़े थे। किन मुद्दों पर बात हुई है आज के कॉन्फ्रेंसिंग में? देखिए, हमारे जैसे छोटे से जनप्रतिनिधि के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम जनप्रतिनिधियों को किस दिशा में काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, हमारे पार्टी का जनाधार कैसे बढ़ना चाहिए, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले। उन्होंने कृषि को बढ़ावा देने की बात की, किसानों की आय बढ़ाने की बात की, उन्होंने मधुमक्खी के उत्पादन के क्षेत्र में किसानों को लगना चाहिए, उन्होंने फिशरी और पशुपालन के क्षेत्र में किसानों को आगे आना चाहिए कृषि के साथ साथ ताकि उनकी आय बढ़ सके। उन्होंने मुद्रा बैंक की बात की, उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत पूरे देश में जो चौपाल लगाई गई थी, उज्ज्वला चौपाल, उसके माध्यम से 16,000 गांव में एक साथ उज्ज्वला चौपाल लगाई गई, 11 लाख महिलाओं को मुफ्त में कनेक्शन दिया गया, ये बात प्रधानमंत्री जी ने कहा बताई। और उन्होंने प्रधानमंत्री बीमा योजना जो 12 रुपये में 2 लाख रुपये का बीमा सुरक्षा मिलता है उसका विस्तारित करने की बात की। जनधन योजना में अगर कुछ लोगों के खाते खोलने रह गए तो उनको खोलने की बात की। उन्होंने सरकार की योजनाओं को गांव तक पहुंचाने की दिशा में कदम उठाने की बात की। हम सब छत्तीसगढ़ वालों के लिए गौरव की बात है कि 2 बार उन्होंने छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया, बस्तर के दौरे का उल्लेख किया, आयुष्मान भारत योजना को जो लोकार्पित उन्होंने बस्तर से किया था और बस्तर के अच्छे आयोजन के लिए, बस्तर के विकास के लिए, माओवादी क्षेत्रों में किस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार विकास कर रही है, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम लेकर मंत्रियों और कार्यकर्ताओं विधायकों को उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया कि आपने बस्तर में किस प्रकार माओवाद के क्षेत्र में भी विकास किया है। सर, हम जानना चाहेंगे कि इस दौरान देश भर के सभी प्रतिनिधि उनसे जुड़े थे तो कितने लोगों से प्रधानमंत्री की डायरेक्ट बात हुई थी और कितने लोग? 5 लोगों से बात की, असम के विधायक, मध्य प्रदेश के एक विधायक, राजस्थान के सांसद, उत्तर प्रदेश के एक विधायक और एक सांसद गुजरात के, ऐसे 5 राज्यों के 5 जनप्रतिनिधियों से उन्होंने बात की। करीब 1 घंटे का संबोधन था, उसमें 5 जनप्रतिनिधियों से उन्होंने बात की। उन्होंने सोशल मीडिया पे जोर देने की बात की, उन्होंने यहाँ तक कहा कि किसी लोकसभा क्षेत्र में अगर 3 लाख फॉलोअर्स जुड़ते हैं सोशल मीडिया में, ट्विटर में जुड़ते हैं तो प्रधानमंत्री जी उनसे सीधी बात करेंगे। एक विधानसभा क्षेत्र में 100 सोशल मीडिया में 1 लाख लोग जुड़ते हैं एक विधानसभा क्षेत्र में तो प्रधानमंत्री जी आने वाले दिनों में उनसे सीधा संवाद करेंगे। जानना चाहेंगे कि इस प्रकार प्रधानमंत्री के कॉल का और आगे भी आप लोग इंतजार कर रहे हैं? देखिए, बेसब्री से इंतजार होगा क्योंकि मेरी दो बार जो मैंने एक टेलीफोनिक और अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके संबोधन को सुना। हमारे जैसे छोटे जनप्रतिनिधियों को शिक्षित करने में एक प्रोफेसर की तरह उन्होंने एक हमारे जैसे जनप्रतिनिधियों को शिक्षा देने का जो काम किया, निश्चित रूप से इंसान को विद्यार्थी की तरह
जीना चाहिए और विद्यार्थी की तरह सीखना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी हमें शिक्षित करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। हम कैसे जनप्रतिनिधियों के बीच में लगातार रहें, कैसे जनप्रतिनिधियों तक सरकार की योजनाओं को पहुँचाएँ, इस बात का वो लगातार ध्यान दे रहे हैं। उनका मात्र एकमात्र उद्देश्य है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक कैसे लाभ हो। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब ऐसी विस्तारित पार्टी हो गई है कि सभी वर्गों के एमपी एमएलए हमारे ही पार्टी के ज़्यादा हैं, यहाँ तक कि अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र में भी हमारे सांसद विधायकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर हम कल्पना करें तो 2/3 से भी ज़्यादा सीटें हमारे पास हैं। तो हमारी पार्टी अब एक छोटे से क्षेत्र की नहीं रहेगी, हमारी पार्टी किसी छोटे समूह की नहीं रहेगी, अब हमारी पार्टी सर्वव्यापक रूप ले चुकी है, सभी लोगों के बीच में गांव, शहर और अन्य क्षेत्रों में विस्तारित हो चुका है, पूरे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी की बात को अधिकृत व्यक्ति ही अधिकृत मंच से उठाएं, न कि हर कोई जाके मीडिया से बात करे। नहीं, चुनाव की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं की। कर्नाटक के बारे में जरूर कहा कि 26 अप्रैल को अगर पार्टी चाहेगी तो मैं कर्नाटक के कार्यकर्ताओं से सीधी बात करूंगा। For more information, log on to www.clips.in.